नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव। दोस्तों, पहली बार जब भारत में लॉकडाउन की घोषणा किया गया था तो 21 दिनों का था। उसके बाद दोबारा से फिर 19 दिनों का किया गया था, जो अब आने वाले 3 तारीख यानी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं वो ख़त्म होने वाला है। सभी देशवासियों के मन में एक बात जो है वो बार बार घूम रही होगी कि क्या इस बार 3 तारीख को जो लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, क्या दोबारा से ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, वो वापस अपने घर को जाना चाहते हैं। जो लोग कामगार हैं वो वापस अपने काम पर जाना चाहते हैं। जो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं वो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं। सभी लोग अपने पुराने ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू करना चाहते हैं। सभी के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा होगा कि क्या इस बार लॉकडाउन फिर से बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी गौर करेंगे तो जिस तरह से भारत में केस जो है, जो संक्रमितों की जो संख्या है वो जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, हालांकि इसकी स्पीड थोड़ी कम ज़रूर है लेकिन अभी रुकी नहीं है, तो इसको उस केस को देखते हुए, संक्रमण के जो फैलने का जो दायरा है उसको देखते हुए, फिलहाल यह कहना बहुत जल्दी होगा कि लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। एक बार फिर आपके मसूबों पर पानी फिर सकता है अगर आप ट्रेनों में सफ़र करना चाहते हैं, अगर आप हवाई जहाज़ का सफ़र करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से ये माहौल बन चुका है, मुझे नहीं लगता या मुझे क्या, अभी जिस तरीके से सरकारी आंकड़े देखे जाएं, रेलवे भी अभी ये आधिकारिक घोषणा नहीं कर पाया है कि वो 3 के बाद क्या वे रेलवे चला पाएगा या नहीं। उड्डयन मंत्री की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है कि 3 तारीख से हवाई जहाज़ की सर्विस पहले जैसे दोबारा से शुरू की जाएगी। तो सबके मन में ये सवाल है, लेकिन मोदी जी जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने घोषणा किया था 21 दिन का, फिर उन्होंने 19 दिन की घोषणा किया, लेकिन इस बार अभी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज संडे का दिन है, मोदी जी ने आज मन की बात करी थी, तो उनके मन के बात करने से कहीं भी ये नहीं लगा कि लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। हालांकि उन्होंने अभी कोई इशारा भी नहीं किया है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं पूरी तरह से बताया है कि लॉकडाउन ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि जिस लिए हमने लॉकडाउन लगाया था उसको पूरी तरह से हमने काबू कर लिया है या हम जीत गए हैं, तो इससे ये लगता है, उनके मन की बात को सुनकर ये लगता है कि लॉकडाउन जिस तरीके से लगाया गया था अभी भी आगे बढ़ाने के पूरे चांसेस हैं। अब रही बात कि जो दूर दराज इलाकों में फंसे हुए हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर देखिए, इस बार अगर लॉकडाउन फिर से बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो अलग अलग लोग अपने परिवार से बिछड़ कर अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, इस बार कुछ ज़्यादा ही वो उनके अंदर जो उत्सुकता थी कि 3 को ख़त्म होगा वापस जाएंगे, तो मैं नहीं समझता इस बार काफ़ी ज़्यादा भगदड़। जैसे पिछली बार आपने देखा था कि पहली बार अगर बात करें तो पहली बार दिल्ली के आनंद विहार पर जिस तरीके से भगदड़ मचा था, क्योंकि लोग सोचते थे कि ये ज़्यादा दिन तक चलेगा ये लॉकडाउन, हम जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं आनंद विहार, वहाँ से बस मिलेगी, हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा कुछ नहीं पता। लेकिन उसके बाद 19 दिन का फिर से लॉकडाउन घोषणा किया जाता है, उसके बाद फिर से आप देखते हैं कि मुंबई में जिस तरीके से भगदड़ मचता है, लोग रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं, किसी तरीके से कहीं पर उनको लगता है कि वो कहीं कहीं से उनके खबर मिलती है कि रेलवे चलाई जा रही है, लोग अपने घरों को वापस जाएंगे जो फंसे हुए हैं, वहाँ पर सरकार स्पेशल ट्रेन चला रही है उनको वहाँ तक पहुँचाने में, लेकिन वह एक अफवाह थी, वहाँ पर आप देख सकते थे। लेकिन एक बार फिर अगर 3 तारीख के बाद अगर सरकार कोई ठोस योजना नहीं लाती उन मजदूरों के लिए या उन लोगों के लिए जो अपने परिवार से दूर बिछड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि इस बार लोग मान चुके हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा और आसानी से बैठेंगे। क्या उनको लगता है कि एक ही इसकी दवा है सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में बंद रहना। लेकिन कब तक वो अपने घरों में बंद रह पाएंगे। क्या आपको लगता है वो मजदूर जो खाने के लिए दर दर भटकते थे,
क्या आपको लगता है कि जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, वो सोशल में जो सोशल डिस्टेंसिंग जो बार बार इसका नाम लिया जा रहा है, क्या वो आगे मेंटेन कर पाएंगे? क्योंकि 40 दिन का वक्त बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। किसी तरीके से अगर 40 दिन का कोई बिता ले जाता है तो क्या आगे भी वो बिता पाएगा? इसके लिए सरकार को एक ठोस योजना बनानी पड़ेगी। अगर आगे फिर से लॉकडाउन बढ़ाने की योजना सरकार की हो रही है या अगर होगी, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी इशारा नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से कि लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, तो इसके लिए मज़दूरों के लिए एक स्पेशल ट्रेन या स्पेशल कुछ भी हो, या बस या ट्रेन, उसकी एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जैसे कि जो मज़दूर फंसे हुए हैं वो वापस अपने घर जाएं, उसके बाद फिर लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। क्योंकि जब तक इसकी दवा पूरी तरह से, इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक हमें ऐसे ही चलाना पड़ेगा, लॉकडाउन करके, घरों में रह के, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, इसी तरीके से हमें इसको जारी रखना होगा। अगर आप बात करें कि अगर इसी तरीके से हमें घरों में रहना होगा तो हमारी ज़रूरी की जैसे जो दिनचर्या है, हमारा जीवन कैसे चलेगा? क्या इसी तरीके से हमारा जीवन चलेगा कि घरों में कैद होकर? मैं मानता हूँ कि जीवन को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए भी कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। मसलन अगर हम चाहें तो पहले इंटर स्टेट को जो है वह बॉर्डर मतलब कि बॉर्डर को क्लोज करके, उसके बाद हर स्टेट में जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश की जो इकॉनमी है वो लगातार, क्योंकि इकॉनमी पर बहुत बड़ा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल बंद है, जिस तरीके से रेलवे बंद है, हवाई जहाज़ बंद है, फैक्ट्रियां बंद हैं, मज़दूर जो काम करते थे वो बंद हैं, तो जो भी इकॉनमी जहां से भी आती थी सब इकॉनमी का सारा स्रोत बंद है, तो इससे देश पर भी बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। ये संकट जो है वो लंबे वक्त तक चलेगा। इससे उबरने के लिए हमें धीरे धीरे मतलब कि शुरुआत करना होगा। मसलन अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं कि जैसे कि अगर हम चाहें तो स्टेट के जो बॉर्डर हैं उसको क्लोज करके, स्टेट के जो अंदर हैं सारे स्टेट को हम ऑर्डर करें कि उनको अंदर की जो धीरे धीरे करके उनको फैक्ट्रियों को खोली जाए। क्योंकि अगर हम मेट्रो अगर हम जो रेलवे है, जो हवाई जहाज़ है वो चला देंगे, तो जो बाहर के जो अलग अलग हैं वो फिर दोबारा से आ जाएंगे, फिर मिक्स हो जाएंगे, तो फिर दोबारा से इस पर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बनता तो हमें इसी तरीके से चलाना होगा। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि हमें इकोनॉमी पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जब ये अगर एक बार वैक्सीन बन भी जाता है कि 4 महीने 6 महीने साल में जब भी बन जाएगा, उसके बाद जो समस्या आएगी सबसे बड़ी भूखमरी की समस्या आएगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमें पहले से ही उसकी अभी तैयारी करनी होगी। हमें उसके लिए बॉर्डर को क्लोज करके अंदर की जो भी फैक्ट्रियां हैं धीरे धीरे खोलनी शुरू करनी पड़ेगी। उसके बाद धीरे धीरे अगर हम देखेंगे, जैसे अभी हम कई बार देख रहे हैं कि कई ऐसे राज्य हैं धीरे धीरे वो मुक्त हो रहे हैं, कोरोना मुक्त हो रहे हैं, तो उनसे हम सीख लेते हुए धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि फिर स्टेट भी कोरोना मुक्त हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके हम फिर खोल सकते हैं। अगर हम ये कहें कि दोबारा से हम जीत पा गए हैं, उस पर जो लॉकडाउन है कंट्रोल कर लिए हैं, अगर हम एक दूसरे देश से कंपेयर करते हैं कि अगर अमेरिका की हालात देखें, इटली की हालात देखें, चाइना की हालात देखें, तो अगर इससे कंपेयर करके हम ये सोचते हैं कि हमारे देश की जो स्थिति है वह बेहतर है, तो ये सरासर अन्याय होगा। क्योंकि बेहतर ज़रूर है लेकिन पूरी तरह से काबू में नहीं है। जैसे ही हम लॉकडाउन हटाएंगे, एक बार फिर से केस जो होंगे वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें तो सबसे पहले हमें सरकार है उसको एक ठोस कदम उठाते हुए सबसे पहले उनकी ध्यान देनी होगी सरकार को, जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, और उसके बाद उसके साथ साथ इकॉनमी पर ध्यान देने के लिए हमें जो छोटी छोटी जो पहले दुकान है, अभी जैसे कि ऑर्डर दिया गया है कि जो दुकान है वो धीरे खोल सकते हैं, हालांकि कुछ लोगों को इसमें अपवाद है, जैसे नाई की दुकान, पार्लर वगैरह हो गए, क्योंकि वहां पर रीज़न भी है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं। अगर आप नाई की दुकान पर जाते होंगे तो वहां पर एक ही कपड़ा देखते होंगे कि बार बार आपके लपेटा जाता है और उसके बाद आपकी कटिंग की जाती है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अच्छा निर्णय है कि अभी उसको बंद रखा गया है।
तो लेकिन जो ज़रूरी की चीज़ें हैं उसको खोलने के लिए अच्छा निर्णय है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसको सभी को मिलकर पालन करना होगा, लेकिन फिर बार वही समस्या आ जाती है कि किस तरीके से मजदूरों का ख्याल रखना होगा, जो बाहर फंसे हुए हैं उनका ख्याल रखना होगा। इसके लिए सरकार को एक स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए, कोई स्पेशल योजना बनानी चाहिए कि जिससे लोग काफ़ी लंबे समय से अपने घरों पर नहीं जा पा रहे हैं, कोई लोग कोई अपने पूरे मतलब परिवार से बिछड़ा हुआ है, अकेला कहीं पर अभी फंसा हुआ है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक बार दोबारा से उनको स्पेशल योजना के तहत मिलाया जाए, उसके बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, यही एक इलाज है। दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।